आज हर कोई अपने प्यार के साथ है और खुश है। कुणाल भैया को भी उनका प्यार मिल ही गया, बस अब विक्रम को भी उसका प्यार। काफी देर हो गई उसे रवीना के साथ बात करते हुए नहीं देखा। लगता है आज इन दोनों की भी बात बन ही जाएगी। अकेली खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? सोच रही हूँ पापा, ये बैसाखी हमारे लिए कितनी सारी खुशियां लेकर आई है ना। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है। अब मेरे कुणाल की जिंदगी में किसी चीज की भी कमी नहीं है। बहुत अरसे के बाद बेटा आज मैं राहत की सांस ले रहा हूँ। बस वीना ठीक हो जाती तो सब कुछ सही हो जाता, वो भी अपनी आंखों से देख लेती कि हाँ एक बार फिर से उसका परिवार हंस खेल रहा है। होंगी पापा, माँ बहुत जल्दी ठीक होंगी, अब बस इसी खुशी का आने का इंतजार है। अगर शादी तुम्हारे लिए सब कुछ है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आज, अभी और इसी वक्त। तू पागल हो गया रोहित? रोहित मेरा हाथ छोड़ो। शादी तो आज होगी हमारी और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। तुमने ऐसा ही निशा के साथ किया था ना, और अब तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो। रिश्ते बनाकर तोड़ना तुम्हारी फैमिली की परंपरा होगी, मेरे परिवार की नहीं। मेरे परिवार में रिश्ते तब टूटते हैं जब जिंदगी का साथ छूटता है, तो ऐसा रिश्ता मेरा विक्रम के साथ है। वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी उसके साथ शादी हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकते। और ये शादी, ये पागलपन, ये सब इसलिए क्योंकि तुम विक्रम से हार चुके हो। उसकी जीत तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। पागलपन तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अगर मुझे छूने की कोशिश भी की ना, यही के यही जला दूंगी। रवीना उसे नीचे रखो। नहीं रखूंगी इसे नीचे। मैं चाहूं ना तो अभी कुणाल भैया और विक्रम को यहाँ बुला सकती हूँ, वो दोनों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी फैमिली को और परेशान नहीं करना चाहती। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो ना, इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। पछताओगी रवीना, तुम पछताओगी। तुम सिर्फ मेरी, तुम मुझसे जितना दूर जाना चाहोगी तुम्हें पाने की जिद मेरी उतनी बढ़ती रहेगी। तुम हमेशा के लिए मुझे पाना जरूर चाहोगे लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े, चले जाओ यहां से। मैंने तुझे क्या हुआ, चुप क्यों है? ना कुणाल जी। अरे नहीं नहीं, मैं और डांस नहीं। अरे बैसाखी के साथ आपकी एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, नाचना तो पड़ेगा। अरे जाना, हमेशा झगड़ते रहे, आज नाचो। चलो चलो। नहीं,
दीदी दीदी सिद्धि सिद्धि अरे भाई पानी लाओ क्या हुआ सिद्धि सिद्धि पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ सिद्धि आगे खोलो सिद्धि पानी लगाओ सिद्धि आगे खोलो फिर पानी लाओ संभाल मैं डॉक्टर को लाता हूँ सिद्धि सिद्धि हटो तुम लोग हवा नहीं दो कुछ नहीं हुआ सिद्धि को हटो सिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है आप चुप रहिए तुम लोग ऐसे क्यों मुंह लटका के खड़े हो सिद्धि हमारे लिए खुशियां लेकर आएगी माँ मैं सिद्धि का ख्याल रख लूंगी आप आइए मेरे साथ वो समझ के नहीं रहे हो मैंने कहा था ना आनंद आएगा सिद्धि तो लेकर आएगी मेरे आनंद को सिद्धि 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 माँ बनने वाली है मेरा आनंद आएगा सिद्धि का पूरा ख्याल रखना कि माँ बनने वाली है ना इसे कुछ नहीं होना चाहिए हाँ माम मैं ख्याल रखूंगी आप आराम कर लीजिए आइए नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी मुझे तो सिद्धि के पास रहना है ना ये मेरे आनंद को ला रही है मैं इसी के पास रहूंगी कहाँ है सिद्धि ये आप मुझसे पूछिए ना इससे कुछ नहीं हुआ है ये माँ बनने वाली है ठीक कह रही हैं आप सिद्धि माँ बनने वाली है आपको पूरा यकीन है कि सिद्धि माँ बनने वाली है अपनी उम्र से ज्यादा बच्चे जन्मे हैं मैंने नब छूकर ही बता देती हूँ कि बच्चा कितने दिन का है और वैसे भी एक माँ की नजर कभी गलत नहीं होती इसलिए सबसे पहले बधाई मैं आप ही को देती मुबारक हो अब दादी बनने वाली अच्छा मैं अब चलती हूँ कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना ठीक है चलो मैं छोड़ के आती दाई माँ नमस्ते मेरा आनंद मेरा आनंद आ रहा है मेरा आनंद आ रहा है हाँ माँ माँ आप आराम कीजिए मैं सिद्धि का पूरा ख्याल रखूंगी आप आ जाइए मेरे साथ रखेगी ना मैं रखूंगी ना आप आ जाइए माँ सिद्धि माँ बनने वाली अभी सबको ये खुशखबरी सुनाते कैसी है सीमा पापा सिद्धि ठीक है लेकिन अब शायद आप लोग ठीक नहीं रहेंगे
मतलब? मतलब पापा सिद्धि माँ बनने वाली है। पापा वो जो गांव की दाई माँ है ना, उन्होंने अभी बताया कि सिद्धि माँ बनने वाली है। क्या मतलब सिद्धि? मतलब कुणाल? कुणाल भैया पापा बनने वाले हैं, लेकिन कुणाल भैया है कहाँ? अब वो तो डॉक्टर बुलाने गए। पापा लो आ गया। डॉक्टर ने कहा वो सुबह आएगा, अब क्या करें? अब क्या करना है वो तो आप ही जानते हैं। पता नहीं आपने ऐसा क्या कह दिया सिद्धि से कि वो बेहोशी हो गए। अरे मैंने क्या कहा, वो तो मेरे साथ नाच रही थी, डांस कर रही थी। इसका मतलब आपको पहले से ही सब कुछ पता था? अरे क्या पता था? वही जो उसने आपको बताया और हम सबको नहीं बताया। सीमा सिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है और तू हंसी जा रही है। खुशी की तो बात है कुणाल भैया, कुणाल भैया पापा बनने वाले हैं। पापा? बधाई बेटा, बाप बनने वाला है तू। और कुणाल भैया अभी हमने सिद्धि को कुछ नहीं बताया, अब ये खुशखबरी आप ही दीजिए जाके उसे। नहीं नहीं मैं कैसे? अरे कैसे क्या, उसकी हर खुशी है तेरे साथ है बेटा, तो ये खुशी भी सबसे पहले तू ही सोचना। हाँ अभी सोचिए मत, जाइए जाइए। लेटे रहो, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। क्या हुआ कुणाल, मैं तो आपके साथ थी। कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। तो फिर आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे? बस चक्कर ही तो आया था, गोली थोड़ी ना लगी थी। कभी तो शुभ शुभ बोला करो। वैसे चक्कर के अलावा तुम्हें कुछ और भी हुआ? क्या हुआ है मेरे साथ? दीदी मैं ये जानता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने महसूस किया तुम मेरी हो। लेकिन आज मुझे दो दो खुशियां मिल जाएंगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जानती हो जिस रात को मैं और तुम हमारी सबसे बड़ी गलती समझते थे, उस रात में मैं हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। और जिस रात मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया था, उस रात ने हमें और भी करीब कर दिया। उस रात की सुबह इतनी खूबसूरत होगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि आज तुमने मुझे कितनी खुशी दी। भगवान से तुम दोनों के लिए दिल से दुआ करता था, और देखो भगवान ने भी
दिल खोल करके खुशियां दी हमको। पापा ये खुशी तो हमें बहुत पहले मिल जाती। माँ तो कब से कह रही थी लेकिन हम ही ने उनकी नहीं सुनी। हाँ और पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है कि वीना को अंदाजा नहीं था बल्कि शायद पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन माँ को पता कैसे चला? ये तो वीना ही बता सकती। उड़ान चल पूछ करके आते हैं। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। औरतें तो अपने पेट में इतनी सारी बातें छुपा ली और तूने तो इतनी बड़ी खुशी छुपा ली। और क्या कहती थी? भाभी वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे डिवोर्स लेना चाहते, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। प्यार नहीं करते तो ये प्यार की निशानी कैसे आई? भाभी वो उस रात रहने दे तेरी शर्म सब कहानी बता रही। लेकिन मैं तेरे लिए कितनी खुश हूँ वो तुझे नहीं बता सकती। सिद्धि मैं सबसे ज्यादा इसलिए खुश हूँ